हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो मोस्ट पॉपुलर गीगा टॉप कंपनी के ओर से आने वाले फैन के बारे में। आपने अमेजन पे टॉप सेलिंग पे दोनों फैन देख रहे हैं, पर इन दोनों में से कौन सा वाला बेस्ट है, कौन सा वाला बाय करना चाहिए, इसके अंदर स्पीड में कुछ डिफरेंट है भी कि नहीं, छोटा वाला या बड़ा वाला सेम ही एयर थ्रो करते हैं, और इसे कूल होता है भी कि नहीं, और इसे यूज किस तरह करना है, और इसका यूएसपी की लेंथ कितनी देखने को मिल जाती है, और इसे क्लीन किस तरह करना है जो कि ओपन करके, और इसके अंदर स्पीड और क्या फंक्शनलिटी दिया गया वो सारी चाहिए। तो आप भी सोचोगे अच्छा सा टेबल फैन बाय करने के लिए, आपका बजट अराउंड 400 रुपीज के करीब, तो ये आपका अमेजन पे देखने को मिल जाता है 429 रुपीज का। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 700-800 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही बड़ा साइज का ये आपको देखने को मिल जाएगा 649 का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 900-1000 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आप 2024 या 2025 में देख रहे हो, 6 मंथ में इस टाइप के टेबल फैन अपडेट होते रहते, इससे भी बेहतरीन और इससे भी बजट में कोई रहेगा उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका साइज का, तो ये साइज में कितना, तो कंप्लीट इसका डायमीटर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 4.5 इंच का, और वहीं इसके साइज की बात करें तो ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा 7 इंच का। अब इसके वायर की बात करें तो दोनों हमारे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट, तो इसका वायर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। वही इसके वायर की बात करें तो ये आपको माइक्रो यूएसबी के थ्रू बैक साइड में कनेक्ट होगा, ये माइक्रो यूएसबी हमारी रिमूव होगी जो कि आपको इधर कनेक्ट करनी रहेगी, और इसकी लेंथ की बात करें अराउंड आपको 2.5 फीट के करीब मिलेगा, और ये आपको 5 फीट के करीब लेंथ देखने को मिल जाता है। अब डीएसएमबल की बात करें तो इधर कुछ करने से डीएसएमबल हो जाता है, नीचे का जो स्टैंड है वो रिमूव हो जाएगा, और इधर से आप माइक्रो यूएसबी को रिमूव कर सकते हो, तो ये कंप्लीट डीएसएमबल हो चुका है। और बैक साइड में इसका स्पीड का बटन दिया गया जिसके थ्रू आपके 3 स्पीड इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि मैं पावर ऑन करके भी बताऊंगा। वही इसको आपको डीएसएमबल करना है तो इधर इसका जो वायर दिया गया है वो हमारा परमानेंट वायर रहेगा, इसको आप है ना रिमूव नहीं कर सकते हो। वही इसके स्टैंड को आप रिमूव राइट साइड लेफ्ट साइड में मूव करना है, दैट्स इट, इसका स्टैंड रिमूव हो जाएगा। और स्टैंड की बात करें तो कुछ इस टाइप के दोनों के स्टैंड ओवरऑल देखने को मिल जाते हैं। ये आपको जैसे कि क्लीन करना रहेगा तो ये ऊपर का जो कि ओपन होता है जाली, इसे ओपन करने के लिए इधर ऑलरेडी मार्क बना हुआ है, तो इस मार्क में आप देख सकते हो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में से टर्न करना रहेगा कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह आएगा, उसके बाद में से आप क्लीन कर सकते हो फैन को, और फिर से राइट हैंड साइड में टर्न करके ये लॉक लग जाएगा। सेम इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, इधर मार्क है, इस मार्क को आपको लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करना, दैट्स इट, ये ओपन हो जाएगा, और इसके बाद में फिर इसी तरह इसको राइट हैंड साइड में टर्न करना, दैट्स इट, आपका लॉक लग जाएगा। तो फिर से मैं कर देता हूं इन्हें असेंबल, और इसे चालू करके देख लेते हैं इसके अंदर कितनी स्पीड देखने को मिलती है, दोनों में से कौन सा वाला बेहतरीन है। तो इधर असेंबल करते टाइम पे ये इधर एक लाइन बनी हुई, तो ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो आपको ये वाला जो विड्थ ज्यादा है तो वो वाला सामने रहेगा, और विड्थ कम है वो वाला बैक साइड में रहेगा। सो इधर लाइन के अंदर डालना, प्रेस करना, दैट्स इट, आपका लग गया। और इसे लगाने के पहले आप नीचे ये माइक्रो यूएसबी भी लगा दीजिए, जैसे इधर ये माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया हुआ है, तो इधर आपको ये यूएसबी लगानी रहेगी, ये साथ में आती है बॉक्स के अंदर, इनके साथ के पास कोई है तो इसे आप यूज कर सकते हो। फिर लगा देना स्टैंड, ये लग चुका है, और इसे आप इस तरह जो कि 90 डिग्री 180 डिग्री पे टर्न कर सकते हो। इसी तरह मैंने इसे भी फिट कर दिया। अडेप्टर इसके साथ में नहीं आएगा, कोई भी आप चार्जिंग का अडेप्टर यूज कर सकते हो, या फिर पावर बैंक है तो पावर बैंक भी आप यूज कर सकते हो। तो इधर मेरे पास 2 अडेप्टर है, इनके अंदर मैं लगाता हूँ, और आपके पास फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर है वो भी चल जाएगा। तो दोनों को मैंने कर लिया कनेक्ट, अभी करते हैं सबसे पहला चालू। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 3 स्पीड, ये है सबसे फर्स्ट वाली स्पीड, इसके बाद में ये देखने को मिलती है आपको सेकंड स्पीड, इसके बाद में ये देखने को मिलती है आपको थर्ड स्पीड। हो सके आपको बैकग्राउंड में साउंड भी आता रहेगा, और इसके बाद में स्टॉप कर देना। इधर बटन दिया गया, इस पर प्रेस करने से हमारा होता है कुछ इस तरह। वह इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट 3 स्पीड, बैक साइड में इसका बटन दिया गया, इस बटन पे आपको प्रेस करना है, तो ये हमारी फर्स्ट स्पीड हुई, ये हमारी सेकंड स्पीड, ये थर्ड स्पीड। तो कुछ इस टाइप के दोनों फैन वर्क करते हैं। अब इन दोनों में से एयर थ्रो किसका ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये वाला जो कि थोड़ा ब्रॉड देखने को मिलेगा, जिसके कारण दोनों फैन को मैं बंद कर देता हूँ, हो सके बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइस आता रहेगा। तो इसका जो कि ब्रॉड देखने को मिलता है एरिया, तो इसके हिसाब से इसका एयर थ्रो आपको ज्यादा एरिया में देखने को मिलेगा, तो कूलिंग इसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आपके डेस्क पे स्पेस कम है तो वो केस पे आप ये छोटा वाला ले सकते हो। स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट पूरी सेम देखने को मिलती है, एयर थ्रो जो कि आपको कम एरिया में देखने को मिलेगा इतना, वहीं ये वाला आपको पूरे फेस पे चाहिए तो पूरे फेस के लिए बड़ा वाला ज्यादा यूजफुल देखने को मिलता है, और यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है। यूएसबी में ये बेनिफिट रहता है कि यूएसबी के थ्रू आप अडेप्टर हो गया, कुछ भी चीज हो गया, इसके थ्रू कनेक्ट कर लेते, वहीं हर जगह पावर का प्लग नहीं होता, तो वो केस पे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। पावर बैंक वगैरह भी साथ में कैरी कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं लाइट चली जाती है, तो वो केस पे भी ये दोनों फैन बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं, जो कि पावर बैंक के थ्रू भी हमारे काम हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों फैन के बारे में डिटेल में कंपेयर करके बता दिया। लास्ट क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट सजेस्ट करूंगा आप ये बड़ा वाला बाय कीजिए, आपका स्पेस ज्यादा है, और इसका एयर थ्रो भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है, और इसका वायर का लेंथ भी आपको 5 फीट का देखने को मिलता है। वहीं आपका जो कि स्पेस इतना नहीं, आपको छोटा फैन से भी काम हो जाएगा, और
इसका जो कि छोटे एरिया में एथ्रो करेगा, स्पीड दोनों के सेम देखने को मिलते हैं, वो बेस पे आप ये छोटे वाले की हो जा सकते हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये छोटा वाला आपको देखने को मिल जाएगा 429 का अमेजोन पर, डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 800-900 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वही ये बड़ा वाला आपको देखने को मिल जाएगा 649 का अमेजोन पर, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 1100 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज मैंने डिटेल में बता दी, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने, तो आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।